एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो हम लोग एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्न का जोड़ पढ़ेंगे। तो देखिए, भिन्न का जोड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो जितने बच्चे इंग्लिश वाले पढ़ते हैं वो उनको समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं एकदम बेसिक से बताता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपको कोई भी समस्या ना हो। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, 3/5, इसे हम पढ़ेंगे 2/5। अगर इसको जोड़ना है तो आप सबसे पहले इसके नियम को समझिएगा। जब भी भिन्न का जोड़ में अगर हमें जोड़ना है तो हर आपका क्या बराबर होना चाहिए। अब चीज़ों को जरा सीखिएगा, किसे हर कहते हैं किसे अंश कहते हैं। इंग्लिश में भी बताऊंगा, जो ऊपर लिखा रहता है उसे हम लोग अंश बोलते हैं, जो नीचे लिखा रहता है उसे हम हर बोलते हैं। उसी तरह से ये भी क्या है, अंश है, नीचे वाला हर है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में अंश को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर देखिए इसका नियम क्या है, जब भिन्न का जोड़ में हर क्या होता है बराबर होता है, यानी डिनोमिनेटर जब बराबर रहता है तो उसके अंश को हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इसका हर क्या है, बराबर है, ये भी 5 है ये भी 5 है, तो हम अंश को जोड़ लेंगे, 3/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3/2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बटे का चिन्ह लाएंगे। अगर आपका हर बराबर है तो इसको जोड़ा नहीं जाता है, सिर्फ यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, हर आपका 5 है तो 5 लिख लीजिएगा। अब ये 5/5 है तो इसे हम 5 से काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1/1 आ चुका है, तो 1/1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, यह आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो अगर आपसे इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो आप इसी तरह से क्या करिएगा। दूसरा सवाल है, देखिए यहाँ पर 4/2 = 5/3 है, इसका हर क्या है, बराबर नहीं है। तो इसका हर बराबर नहीं है तो इसको आप इस तरह से नहीं सॉल्व कर सकते, इसको सॉल्व करने का अलग तरीका है। या तो आप 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेकर हम क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिर्यक वाला नियम भी अपना सकते हो। जैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर हमारा बराबर नहीं है तो हर बराबर करने के लिए 3 का गुणा 4 में करेंगे। 3 का गुणा 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 को यहाँ पे लिखना। 2 का गुणा 5 में करोगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस तरह से बटे का चिन्ह लगा देना है। 2 का गुणा 3 में करोगे 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 3 का गुणा 2 में करोगे 3 दुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हर आपका क्या है, बराबर है, तो अंश को आसानी से जोड़ लेंगे, 12 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 10 10 20 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22/ कितना, हर आपका बराबर है तो आप 6 लिख लोगे। अब यह देखिए किससे कटेगा, यह 2 से कट जाएगा, तो 2 तिहाई 6 होता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी 11/12 में कट जाएगा। तो 11/3 आ चुका है, तो 11/3 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। अगर आप 11 में 3 से भाग दोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 दशमलव में आ जाएगा। अब इसी तरह का एक सवाल मैं और आपको समझाता हूँ, जिसको हम लोग क्या एलसीएम विधि के द्वारा करेंगे, जिससे हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। अब यहाँ पर 5/3 = 6/4 है, इसमें देखिए हर क्या है, बराबर नहीं है। तो चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हर बराबर करके सॉल्व कर सकते हो या आप एलसीएम विधि से भी इसे कर सकते हो। तो चलिए इसको मैं आपको एलसीएम विधि से सवाल को सॉल्व करना सिखाता हूँ। एलसीएम विधि में क्या होता है, जो आपका 3 और 4 हर है इसको इस तरह से यहाँ पे लिख लेना, और 3 और 4 का आप एलसीएम निकाल लो, तो सबसे छोटी संख्या से भाग दे देना, 2 से 3 नहीं कटेगा तो 3 को उसी तरह से लिखना, 2 दुना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 2 से 4 को काटेंगे। अब आप क्या करोगे, 2 से फिर से भाग दो, 2 से 3 नहीं कटेगा उसको उसी तरह से, 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो 3 1 के 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेना। जब सब कुछ कट जाए यानी नीचे 1 1 आ चुका, तो इनका आपस में गुणा कर लेना, यानी ये जो चीज़ें आई हैं, तो 2 कितनी बार है, 2 बार है, फिर 3 है, तो इसे हम लिखेंगे 2 × 2 × 3 लिखेंगे, 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यही 12 आपका क्या है, एलसीएम है। तो ये आपका जो 12 एलसीएम आया है तो आपको इस तरह से बटे का चिन्ह लगाना है और नीचे यहाँ पे 12 लिख लेना है। अब आपको करना क्या है, 3 का टेबल पढ़िए जब तक कि 12 ना जाए, यानी 3 से हम 12 को काटेंगे, तो 3 चौके कितना होता है, 12 होता है, 4 बार में कटता है, जो 4 बार में कटा है उसी का गुणा हम क्या ऊपर अंश में करते हैं, तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20, इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर से हम 4 से 12 को काटेंगे, 4 तिहाई कितना होता है, 12 होता है, 3 बार में कट रहा है, उस 3 का गुणा हम अंश में करेंगे तो 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाना, 20 और 18 हम आसानी से जोड़ लेंगे, 20 और 18 जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
38 बटे नीचे 12 है तो 12 लिख लेना। अब ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 छः कितना होता है 12 होता है, 2 एक कम 2, 2 नवा कितना होता है आपका 18 होता है, 19 बटे कितना चुका है 6, तो ये नहीं कटेगा, 19 बटे 6 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। जब भी इस तरह के सवाल आएंगे, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करिए चाहे एलसीएम विधि से करिए, दोनों तरीका आपका अच्छा है। अगला प्रश्न है हमारा चौथा। अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछ दे जैसे 3/5 धन 6/5 धन 4/5, यहाँ पे और भिन्न लिख सकता है, मान लीजिए 6/5 लिख दे, कितना भी बड़ा कर दे, तो अगर आपका हर बराबर है तो आप क्या करिएगा, इस तरह से आप बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगाकर बटे में 5 लिख लीजिएगा। जब आपका हर बराबर होता है तो हम अंश को जोड़ लेते हैं, तो 6 4 10 10 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13/5 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो मैं आपको हर टाइप का प्रश्न समझा रहा हूँ जिससे सारी चीज़ें आपको समझ में आ सके। अब यहाँ पर देखिए एक प्रश्न मैं लिखता हूँ। अगला प्रश्न हमारा 3/2 धन 4/3 धन 5/1 है। यहाँ पर देखिए हर किसी का भी क्या है बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 3 1 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 3 1 का हम एलसीएम जब निकालेंगे इस तरह से, तो सबसे पहले हम 2 से भाग दे देते हैं, 2 1 के 2 हो जाएगा, 3 नहीं कटेगा उसको उसी तरह से लिखेंगे, 1 को हम उसी तरह से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, 1 है 1 लिख लेना, 3 से 3 को काटोगे 3 1 के 3 हो जाएगा, 1 है तो 1 लिख लेना। जब नीचे 1 1 आ जाए 3 का आपस में गुणा करते हैं, तो 2 × 3 करोगे, तो 2 × 3 करोगे 2 3 कितना होगा 6 होगा, यही 6 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब आप क्या करना है यहाँ पर इस तरह से बटे का चिन्ह लगाकर 6 लिख लेना, 2 से 6 को काटिएगा, हमेशा हर से ही काटिएगा, 2 3 कितना होता है 6 होता है, 3 बार में कटाए तो उस 3 का गुणा हम अंश में करते हैं, 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर से हम 3 से 6 को काटेंगे, 3 2 6 होता है, 2 बार में कटाए तो 2 का गुणा हम अंश में करेंगे, 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 से 6 को काटेंगे, 1 6 बार में कट जाएगा, 1 6 कम कितना होता है 6 होता है, तो उसका हम अंश में गुणा करेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इनको हम आसानी से जोड़ लेंगे, 30 9 कितना होता है 39 होता है, 39 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40 40 7 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। इनको जब आप जोड़ोगे कितना आएगा 47/ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, नीचे 6 है। अब यह देखिए किसी से कटेगा नहीं, तो 47/6 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको भिन्न का जोड़ बताया, सेम इसी तरह से भिन्न का घटाव है उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो अगर जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।